राजगढ़ क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोग भयभीत हैं। वहीं मौका देखकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सड़कों पर आ गए हैं। यह भांपकर पुलिस भी सक्रिय हो गई है। हाल ही में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। राजगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को पकड़ा है। उनसे 10 मोटरसाइकिल के साथ ही हथियार सहित 6 लाख का माल बरामद किया गया है। थाना कोतवाली को सूचना मिली कि कुछ लोग खुजनेर रोड पर बंद पड़े गुर्जर ढाबा के पीछे खंडर नुमा मकान में इकट्ठे होकर लूट डकैती करने की बात कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने चारों ओर से घेर कर 5 लोगों को मौके पर धर दबोचा। इसके साथ ही थाना कोतवाली पुलिस टीम ने वाहन चोरों की एक गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गैंग का एक साथी देवी सिंह तवर निवासी मान्यपुरा अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कोतवाली प्रभारी श्री डीपी लोहिया ने यह जानकारी दी। लॉकडाउन जब से अनलॉक हुआ है, कुछ अपराधियों के हौसले बुलंद हुए, चोरी की मोटरसाइकिलों की घटनाओं के संबंध में जानकारी मिल गई। हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। कई लोगों को हम लोगों ने निगरानी फाइल खोली है, कईयों की मुद्दा फाइल खोली है। साथ ही कई जो पुराने अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक सूचना मिली थी, कुछ आरोपी कुछ जो लोग हैं एक पेट्रोल पंप को डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इसके संबंध में तत्काल SDOP राजगढ़ और थाना प्रभारी राजगढ़ श्रीमती मंजू चौहान और श्री डीपी लोहिया इनके द्वारा घेराबंदी करके 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया गया। इनके नाम है राम भरोसे पिता रामप्रसाद तवर करीब 24 साल, ये मान्यपुरा राजगढ़ के रहने वाले। हेमराज पिता चैन सिंह तवर 22 साल, ये भी मान्यपुरा के रहने वाले हैं।